दोस्तों ये जो पानी बह रहा है ये ऐसा ऐसा पानी नहीं है, इस पानी से गैस्ट्रिक का बीमारी ठीक हो जाता है दोस्तों, इतना पावरफुल पानी है ये। अगर आप सिक्किम घूमने आते हो तो आपको दिखेगा ये सुंदर सा टिस्टा वैली। तो ये जितना भी सब्जी दिख रहा है सब पहाड़ का सब्जी है, सभी ऑर्गेनिक वाला सब्जी है। तो फ्रेंड्स हम यहाँ पे भराएंगे ऑयल और यहाँ पे 102 रुपए लीटर है, देख सकते हो। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल निपुंग ब्लॉग्स। तो आज हम है सिक्किम में, तो आज हमारा जर्नी रहेगा सिक्किम टू सिलीगुड़ी। तो आज हम बहुत सारा मस्ती करने वाले हैं और बहुत अच्छा जर्नी भी दिखाने वाले हैं, तो हमारे ब्लॉग को स्किप एकदम मत करना, हमारे ब्लॉग को एंड तक देखना। तो आज का दिन शुरू कर देगा, लेट्स गो। तो दोस्तों हम लोग रेडी हो गए, एक्चुअली हम लोग सिक्किम आ रखे थे भैया के इधर, तो आज हम लोग जाने वाले हैं घर। तो हमारा जर्नी में बने रहिए, बहुत ही मजा आने वाला है। चलो चलते हैं, निकलते हैं। कुछ है बैग लो। आओ 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 बाबू, किम बोल रहे हो नी, किम बोल रहे हो ना? माँ आई ना, प्लीज बाबू को साथ दिन बोल दो। धन्नो इधर है, अभी हम बैग को थोड़ा टाई करेंगे। भाभी इधर ड्यूटी जाने के लिए एकदम रेडी हो गई है। रेडी सेडी पो हो गया हमारा बैग। सो फ्रेंड्स अभी हम निकल गए यहाँ से, आज का हमारा सफर पूरा होगा जलपाईगुड़ी तक का। आया सिक्किम टू जलपाईगुड़ी, सोच के कितना दूर लग रहा है मुझे तो। आए और वाइन लेके नहीं जाए, ये कभी हो सकता है क्या? सो हमने थोड़ा वाइन वगैरह लिया, देना भी सिक्किम से निकलने का वक्त आ चुका है। तो हम अभी रंगपो में ही है, रंगपो बाजार में, तो कुछ ऐसा है रंगपो बाजार। तो लेट्स गो, निकल रहे। चलो गाइस फिर शुरू करते वेस्ट बंगाल तक का जर्नी। हाँ तो फ्रेंड्स हम यहाँ पे भराएंगे ऑयल और यहाँ पे 102 रुपए लीटर है, देख सकते हो गाइस, ओनली 102 रुपीज, बिकॉज यहाँ पे टैक्स नहीं लगता है, क्योंकि और जगह पे वेस्ट बंगाल में 106 रुपए है और यहाँ पे सिर्फ 102 रुपए। तो हम यहाँ से पेट्रोल भरा के जाएंगे। सो फ्रेंड्स ये है मेन चेक पोस्ट सिक्किम का, यहाँ पे आप अगर कोई अदर स्टेट से आते हो तो आपको थोड़ा यहाँ पे एंट्री कराना पड़ता है। सो ये रहा चेक पोस्ट, उसके आगे है वेस्ट बंगाल। हम वेस्ट बंगाल एंटर कर चुके हैं गाइस, तो हमने बहुत सारा विजिट किया, बहुत लंबा ट्रिप किया, बहुत मजा आया। अभी घर जाने का वक्त आ चुका है, जाने को मन नहीं है, फिर भी हमको जाना पड़ेगा गाइस। तो अपना हमारा सब ब्लॉग कैसा लग रहा है आप चेकअप कर सकते हो गाइस, जितना भी टूरिस्ट प्लेस है या तो फिर कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए आप कमेंट कर सकते हो। हम पहुंच गए हैं टिस्टा ब्रिज, देखो गाइस कितना लंबा ब्रिज है, और यहाँ पे और एक पिलर लगाया है, इसको क्या क्या बोलते हैं, यो प्यार बोलते प्यार, माइनिंग करके नया ब्रिज बन रहा है। ये नया ब्रिज बन रहा है और जो कि बनेगा रेलवे का ब्रिज, क्योंकि ऊपर ना टनल बना हुआ है। आज ये टनल ऑलमोस्ट फिनिश्ड है, क्योंकि मैंने पहले नोटिस नहीं किया था, अभी नोटिस हो रहा है गाइस। तो ये जितना भी सब्जी दिख रहा है सब पहाड़ का सब्जी है, सभी ऑर्गेनिक वाला सब्जी है। टिस्टा बाजार यहाँ पे बहुत सारी ऑर्गेनिक सब्जी मिलेगा। ये एक किस्म का, ये एक टाइप ऑफ टोमेटो है जिसका हम चटनी खा सकते हैं, आलू भी है।
हम ये खरीदने आए हैं। कितने के जी दीदी? 100 रुपये के जी। ये 100 रुपीज़ के जी। ये सब्जी खा सकते हैं गाइस, बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। सिमल तालू और तो गाइस हमने थोड़ा सब्जी खरीदा क्योंकि ये सब उधर नहीं मिलता है। मेरा हुआ 120 रुपीज़। गाइस ये कितना अच्छा है, देखो राइस नूडल्स है। वाओ ये हेल्दी भी है। बहुत अच्छा है गाइस। यहाँ से आप अगर आपको सब्जी वगैरह खरीदना है तो आप पिस्ता से खरीद सकते हो। ये आपको डिफरेंट वैरायटीज ऑफ अचार मिलेगा। ये सब को प्राइस कति हो नि? 500 ग्राम को चाहिँ यो चाहिँ 250 ए ओके। अनि यसैमा 500 ग्राम को डल्ले मसाला चाहिँ यो 350 अनि यो अलिकति 300 ग्राम। सो फ्रेंड्स यहाँ पे डल्ले खोर्सानी है। ये एक टाइप ऑफ चिल्ली होता है जो पहाड़ में बहुत ज्यादा मिलता है, बहुत टेस्टी होता है ये। पिकल त मेरो फेवरेट हो। ते दो दुई तीन साल में मैं बिग्री एकदम दामी बिजनेस आइडिया दिन वाह। एक्चुअली दीदी बोल रहा है ना ये सब्जी वगैरह बेचने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, पिकल वगैरह बहुत दिन तक टिकता है। तो यहाँ से गाइस हम जा सकते हैं दार्जिलिंग। दार्जिलिंग जाने का एक दूसरा वे है, अगर आप सिक्किम से जाते हो तो यहाँ से होके पैसों का ऊपर होके आपको जाना पड़ेगा, नहीं तो आपको सिलगुड़ी होके देन कर्शियंग होके फिर दार्जिलिंग जाना पड़ेगा। तो अगर आप सिक्किम से जा रहे हो तो आपको यहीं से जाना फ़ायदा है, सिक्किम एंड दार्जिलिंग से। अगर सिलगुड़ी में हो तो फिर आपको कर्शियंग जाके भी फ़ायदा है। तो ये है टिस्टा नदी जहाँ पे बहुत सारा बाढ़ आया था, और रास्ते का हालत देखो गाइस, उस बाढ़ ने इतना ख़त्म बनाया है रास्ता, क्या ही बोले। इधर इधर तक मिट्टी है, अभी तक भी ऐसा ही है। देखो गाइस कैसा हालत बना दिया है, कितना दिन हो गया फिर भी ऐसा है, और पानी तो थोड़ा सूख गया है। आयो अगर आप सिक्किम घूमने आते हो तो आपको दिखेगा ये सुंदर से टिस्टा वैली जो कि बहुत सुंदर है। अभी अब तो यहाँ पे डैम भी है तो काफ़ी ज़्यादा सुंदर लगता है। अभी विंटर का सीजन है, विंटर मतलब तो संतरा गाइस, तो आपको रास्ते रास्ते में संतरा दिखेगा ऐसा बेचने के लिए। तो ये संतरा गाइस ये लोग पीसेस में बेचते हैं या तो किलोज में बेचते हैं। तो अभी तो संतरा का लास्ट सीजन है, फरवरी के बाद तो संतरा नहीं मिलेगा आपको। तो यहाँ पे हिल्स का संतरा बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। देखो यहाँ पे भी है, रंबी बाजार का ब्रिज। और गाइस यहाँ पे ना रंबी बाजार का एक बहुत अच्छा खासियत है जो कि है मशरूम। यहाँ पे देखिए रास्ते रास्ते में लोग सब मशरूम लेके बैठते हैं, यहाँ पे मशरूम का खेती, पचास रुपये पैकेट है ना, लगे नहीं एटा मत ला नहीं, फ्रेश मशरूम है, फ्रेश 50 रुपये में ये ले जाऊँ ना। सो हमने एक खरीद लिया, अगर आप ट्रैवल कर रहे हो तो आप खरीद सकते हो। ब्रिज के इस पार एक अंकल है, उनका यहाँ पे है, देखो 50 रुपये में बहुत ज़्यादा दे रहे हैं अंकल है? तो हमने खरीद लिया 50 रुपये का। अभी एक्सीडेंट हो जाता है तो अभी मुंह ना देख के चलते हैं, ये लोग रोड नहीं देखते, ओवरटेक करने का जल्दी है। बिस्तारी बिचाली बाबू, मेला बाबू आ गया, मेला बाबू आ गया। कति लाम लियो नि, कति लाम लियो नि मेला बाबू, अन्त मेरो
मेरा लुगा है ना कस्तो धुले धुलवा है ना घर पे पहनने वाला कपड़ा ही पहन के आ गई हूँ मैं, क्योंकि मेरा कपड़ा सब इतना दिन का जर्नी था ना, मेरा कपड़ा सब मैला हो गया। मैं सोचा घर ही तो जाना है, तो फिर मैं यही पहन के निकल गई। गुड गुड गुड, शायद ये मंकी लोगों को खाने के लिए दिया है। तो दोस्तों आप लोगों को एक चीज़ दिखाने वाला हूँ जो कि आप लोग भी शॉक हो जाएंगे शायद देख के। एक्चुअली इधर एक पानी का धारा है, तो ये बोलता है ना इधर का इंसान लोग, ये पानी पी के जिधर जिसका भी गैस्ट्रिक का बीमारी है सब ठीक हो जाता है। देखो इधर भाई लोग पानी भर रहे हैं। दोस्तों ये पानी पी के गैस्ट्रिक का बीमारी एकदम ठीक हो जाता है, जितना भी पुराना गैस्ट्रिक का बीमारी हो ये पानी पी के एकदम बिस्लरी से भी साफ सफा पानी है। ये पानी पी के कितना जनों का गैस्ट्रिक का बीमारी ठीक हो गए दोस्तों। आप लोग भी चाहिए ये लोकेशन तो मैं भेज दूंगा आप लोगों को। इसको गैस्ट्रिक धारा भी बोलते हैं। किधर है बोल दो लोकेशन। ये हनुमान मंदिर का ना थोड़ा ऊपर है, अगर आपको लोकेशन चाहिए तो आप कमेंट करना, हम आपको बता देंगे। यहाँ से जितने भी पानी पिया है गाइस, यहाँ सच में ही गैस्ट्रिक, मैंने ऐसा नहीं है कि मैंने बस ऐसे ही बोल रहे, बट यहाँ पे सच में ही गैस्ट्रिक ठीक होता है। ये एक धारा है, यहाँ का पानी ले जाके सुबह को उठ के आपको खाली पेट पे पीना है तो सच में ही गैस्ट्रिक यहाँ का ठीक हो जाता है, इसीलिए यहाँ पे छोटा सा एक मंदिर भी बनाया हुआ है। तो दोस्तों ये जो धारा है किसी को भी पूछने से भी बता देगा, गैस्ट्रिक धारा बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ये आपका सेवक से थोड़ा ऊपर है, ठीक है, किसी को भी बोलिएगा तो बता देगा गैस्ट्रिक धारा किधर है। ऐसा एक टर्निंग पे ऐसा हनुमान का मंदिर है, इधर मंदिर है और इधर से पानी निकलता है ऐसे। ये पानी पी के सच्ची में ही एकदम गैस्ट्रिक का बीमारी ठीक हो जाता है। इधर एक छोटा सा रेस्टोरेंट भी है गैस्ट्रिक धारा के पास में ही है, तो इधर थोड़ा खाना वाना खाएंगे शायद। शेरपा होटल बोल के है, शेरपा होटल के ठीक पास में ही है गैस्ट्रिक धारा। ये ऐसा वैसा पानी नहीं है गाइस, देखो कितने सारे लोग हैं गाड़ी को रुका रुका के पानी भर रहे, कितने बड़ी बड़ी बोतल में पानी भर रहे। ये सच में ही यहाँ से गैस्ट्रिक ठीक होता है। एंड हम पहुंच गए सबसे फेमस ब्रिज कोरोनेशन ब्रिज से, और ये ब्रिज ना ब्रिटिश का जमाने में बना है, 1962 ऐसा कुछ में बना है, ब्रिटिशर्स ने बनाया है दो जगह को कनेक्ट करने के लिए। आज भी बहुत मजबूत है गाइस, कितना सुंदर बनाया है। यहाँ से जा सकते हैं भूटान, भूटान जा सकते हैं, अलग ही देश में जा सकते हैं आप लोग इधर से, इधर से यहाँ से जा सकते हैं चालसा वगैरह, माल बाजार चालसा होते हुए जयगांव, हाँ जयगांव एंड देन भूटान। तो ये बनाए हैं ब्रिटिशर्स ने, हम पहुंच गए हैं। हमको सिक्किम से बाइक पे आने में करीबन 2-2.5 घंटा लग गया गाइस यहाँ पे। हाँ हम थक गए, मुझे तो सर्दी भी हो गया, नाक बंद हो गया है और मुझे थोड़ा बुखार भी आ रहा है गाइस। सेवक का ब्रिज क्रॉस करते ही यहाँ पे काली मंदिर है, काली बरी जो बोलते हैं, जो कि है सेवक में, ये बहुत ज़्यादा फेमस मंदिर है। और यहाँ पे आप कुछ भी मांगो, श्रद्धा से मांगो ना, तो आपकी मन्नत ना गाइस बोलते पूरी हो जाती है। तो आप यहाँ पे संडे को तो बहुत ही ज़्यादा भीड़ रहता है क्योंकि यहाँ पे शादी भी होता है। यहाँ पे मेरा भी मानना है कि यहाँ पे आप जो कुछ भी मांगो ना एकदम पूरा हो जाता है। देखो बस फ्लावर वगैरह यहीं पे मिलता है, यहाँ पे सूरत का स्टैंड है एंड यहाँ से आप ऊपर जा सकते हो। तो ये मंदिर में आप कुछ भी मन्नतें मांगोगे तो गाइस एकदम पूरा हो जाता है, श्रद्धा से मांगिए। आप कुछ भाकल वगैरह रखना चाहते हो वो भी पूरा हो जाता है। और उसके सामने ही यहाँ पे छोटा सा एक शिव जी का मंदिर भी है जो ऊपर जा सकते हैं। हम पहुंच गए सेवक, यहाँ से पहाड़ खत्म होता है और पेन शुरू होता है गाइस। हमारा पहाड़ का जर्नी यहीं पे खत्म होता है और आज से प्लेन का जर्नी शुरू होता है।
बंगाल सफारी। तो अगर आप सिलगुड़ी में हो तो ये जगह आप विजिट कर सकते हो, यहाँ पे बहुत अच्छा वाइल्ड एनिमल्स देखने को मिलेगा आपको, एलिफेंट राइडिंग भी है। तो अब तो हम सिलगुड़ी पहुँच ही गए, हम चेक पोस्ट से इस रास्ता होके जाएंगे आज। यहाँ से भी जा सकते हैं, देखिए बोर्ड लगा हुआ है एनजीपी रेलवे स्टेशन 12 किलोमीटर आमपाड़ी, यहाँ से जलपाईगुड़ी है गाइस 48 किलोमीटर और विदिन 48 किलोमीटर हम पहुँच जाएंगे घर। फाइनली दोस्तों हम लोग घर पहुँच गए, पहुँच गए गाइस, घर जैसा सुख खुशी कहीं पे भी नहीं है। देखो मेरा नाइकी का सूखा हालत, नया बॉक्स से निकाल के पहन के गई थी, समझ नहीं आ रहा है अब इसको मैं धो के पहनूं दोबारा या इसको मैं फेंक दूं, ऐसा हो गया हालत। सो दोस्तों हालत तो काफी खराब है, तो ये ब्लॉग को यहीं पे रखते हैं, मिलते हैं अगले ब्लॉग में, और ब्लॉग कैसा लगा प्लीज कॉमेंट करके बताइएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, इतना ही बोलना चाहूंगा मैं, बाय बाय दोस्तों, बाय गाइस। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग पे, लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करना, इतना थक गए कि अभी ये पीछे इतना दर्द हो रहा है कहीं पे बैठा ही नहीं जाएगा। हाँ मिलते हैं अगले ब्लॉग पे, बाय गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।